हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि प्लाजो या पैंट में म्यानी किस तरीके से लगाएं, और जो एक पैंट या प्लाजो में जो खिंचता है, जो प्रॉब्लम खिंचने वाली प्रॉब्लम होती है, उस पर मैंने तकरीबन एक महीना हो गया वीडियो बनाई थी कि आप किस तरीके से कटिंग करें तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, जो आपका खिंचा खिंचा सा आपको लगता है आसन की तरफ से। तो काफ़ी कमेंट मुझे आए थे कि मैम, ये तो आपने बता दिया कि कटिंग किस तरीके से करें, पर जो ऑलरेडी जो पैंट या प्लाजो इस तरीके से प्रॉब्लम देते हैं बने हुए, उनको हम कैसे ठीक करें। तो आज इस वीडियो में मैं वही बताऊंगी आपको। तो इतने दिन इसलिए लग गए क्योंकि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम वाला पैंट या प्लाजो मेरे पास नहीं था। तो अभी मेरे पास इस तरीके की प्रॉब्लम आई है एक। तो ये प्लाजो है जो कि मेरे कस्टमर का है और मैंने स्टिच किया था, तकरीबन 2-2.5 महीने हो गए। तो जब उन्होंने पहना था तो ये बिल्कुल ठीक था, पर अभी उन्होंने वापस से पहना तो थोड़ा सा उनको आसन में प्रॉब्लम आ रहा है और थोड़ा सा टाइट सा लग रहा है आसन। तो आज मैं बताऊंगी किस तरीके से, और थोड़ा सा उनको थाई से भी टाइट लग रहा है तो ये भी बताऊंगी कि थाई में भी आप कपड़ा किस तरीके से लगाएं और ये जो आसन है इसमें भी आप कपड़ा किस तरीके से लगाएं। वैसे फ्रेंड्स, आप अगर इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो जो मेरा न्यू चैनल है द न्यू टेलर्स, उस पर मैंने इसकी वीडियो कटिंग की और स्टिचिंग की दोनों बनाई हुई हैं, और इसके जो ये बॉटम में आप डिज़ाइन देख रहे हैं इसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो प्लीज़ आप मेरे जो न्यू चैनल है उस पर देख लीजिएगा इसकी वीडियो। तो उस चैनल के लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसमें क्या करना है। तो जिस प्रॉब्लम का सलूशन मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो पैंट और प्लाजो दोनों में ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं जो है, आप यहाँ पे ये हमारा आसन है, यहाँ पे भी कपड़ा लगाना पड़ेगा हमें, और यहाँ से अगर आपको थाई से भी टाइट है तो आप यहाँ पे भी लगाएं तो बहुत ही कम्फर्टेबल हो जाएगा आपका। और आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो कपड़ा लगाना है वो आपको घुटने तक रहे या घुटने से ऊपर ही चलेगा, तो इतना होना चाहिए। तो हम इसको खोल लेंगे, ये इलास्टिक है हमारी, इलास्टिक तक ये इतना हम यहाँ से लेकर थोड़ा छोड़ देंगे और यहाँ से लेकर इसको हम खोल देंगे बैक और फ्रंट को, और इतना हम इसको खोल लेंगे। तो यहाँ से इस तरीके से खुल जाएगा और यहाँ से फ्रंट से और बैक से खुल जाएगा। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप देख रहे हैं मैंने प्लाजो को उल्टा कर दिया था, और उल्टा करके मैंने इसको यहाँ तक खोल लिया है, ये देखिए यहाँ से, और फिर ये वाला भी खोल लिया है। तो अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि इसका थोड़ा सा आसन बढ़ाना है हमें, तो इसको इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट का मैं इस तरीके से रख लेती हूँ, इस तरीके से कर लूँगी प्लाजो को। इसका क्योंकि जो बैक है और फ्रंट है अलग अलग कटा था, ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का प्लाजो था, जो इसका बैक था थोड़ा बढ़ के कटा था और फ्रंट इस तरीके से। तो ये मैंने फ्रंट दो तह इस तरीके से बिछा ली है, तो मैं तकरीबन इसको 1/2 इंच बड़ा कर दूंगी इसके आसन को। उसके बाद जो भी हमें कपड़ा ज्वाइंट करना है तो करेंगे। बैक भी ले लेती हूँ मैं, और इसी तरीके से 1/2 इंच कटिंग करूँगी बैक का भी। तो फ्रेंड्स, इसको मैं जो ऊपर से अगर आप जहाँ पे भी नाड़ा बांधते हो वहाँ से लेकर जो आपका घुटने तक का साइज होता है वो तकरीबन 20-21 होता है। तो पहले सबसे पहले मैं आसन नाप लूँगी और उसके बाद यहाँ से जितना भी होगा और घुटने तक जो है मुझे इसमें इस तरफ कपड़ा लगाना है। तो देख लेती हूँ, तो 14 तक तो हमारा ये आसन है, और 7 तक जो है हम 7 इंच तक जो है हमें यहाँ पर कपड़ा भी लगाना है। चलिए लगा लेते हैं, इसको हटा लूँगी मैं। तो फ्रेंड्स, ये जो जैसे कि कोई कस्टमर मुझसे कपड़े सिलवाता है तो मैं इस तरीके से कपड़े संभाल के रखती हूँ क्योंकि कभी भी काम आ जाते हैं। तो चलिए काट लेते हैं। तो
तो सबसे पहले मैं इस तरीके से कर लूँगी और एक और फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। और अब यहाँ से जो हमारा 7 इंच आ रहा था, तो ये जो कपड़ा है हम 8 इंच तक ले लेते हैं इस तरीके से, और इसको सीधा कर लेते हैं पहले। और यहाँ पर तकरीबन 3 इंच इस तरीके से, यहाँ पे 1 इंच, इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। तो यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ से 1 इंच लिया है, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये कपड़ा मिलेगा और इसके भी हमें 4 पार्ट करने हैं, क्योंकि 4 साइड है तो चारों में एक एक लगेगा। तो चलिए इसको जॉइंट करना बताती हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये आसन है हमारा और अभी यहाँ पर जॉइंट करना है हमें थाई पे कपड़ा। तो ये इस तरीके से कपड़ा लिया है मैंने, और जो बीच में से कटिंग किया था तो ये सीधा हो गया था, तो ये सीधा साइड हमें जॉइंट करना है। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट लूँगी अभी सीधा, और सीधे के ऊपर ये सीधा कपड़ा जाएगा और इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपको आसन से तो बहुत सही होता है और थाई से ही खाली टाइट होता है, तो आप खाली थाई पर ही जो है इस तरीके से कपड़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से कपड़ा करना है, मार्जिन यहीं पे होना चाहिए, और इसकी बिल्कुल किनारी पे एक और सिलाई लगा लें। तो ये डबल सिलाई मैंने जो ऊपर से लगाई है, इससे बहुत मजबूत हो गया है ये। और अभी तो मैंने एक पीस पे इस तरीके से करके दिखा दिया आपको, पर जो पूरे 4 पार्ट हैं तो सब में इसी तरीके से करना है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ अच्छे से। तो फ्रेंड्स, ये थाई साइड में मैंने 4 जो पार्ट्स थे हमारे, वो मैंने पूरे जॉइंट कर लिए अच्छे से इस तरीके से। तो ये चीज़ बढ़ गई है, तो हमें यहाँ पर भी कपड़ा चाहिए थोड़ा बढ़ाने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरे पास कपड़ा बचा है थोड़ा कम है, पर इसी में एडजस्ट करूँगी मैं। तो इसको इस तरीके से रख देती हूँ, ये कपड़ा बचा है हमारे पास, इसको भी हमें इस तरीके से 4 पार्ट करना है, 4 पीस चाहिए मतलब। और अब चारों पीस पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 पीस पकड़ के इस तरीके से निशान लगाऊंगी। तो इसी तरीके से गोलाई में ही चाहिए हमें, तो यहाँ से तो पूरा ये आ ही जाएगा गोलाई में इस तरीके से। और यहाँ से आपको अब इसी हिसाब से लेना है, मतलब 1.5 इंच या फिर जितना, अगर ज़्यादा है तो 2 इंच ले लीजिए आप। तो इसको मैं यहाँ तक ले जाती हूँ कॉर्नर तक, जितना भी कपड़ा है मैं लगा रही हूँ अभी। और इस कपड़े की चौड़ाई मैं बता देती हूँ, 4 फोल्ड करके तकरीबन 3.5 इंच आ रही है, और इसकी लंबाई तकरीबन आसन जो है हमारा उससे थोड़ी सी कम है बस। तो यहाँ से भी ले लेती हूँ कितना आ रहा है, यहाँ पे सबसे पहले देखूँगी मैं। तो ये 2-2 इंच मैं ले रही हूँ, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा तो चाहिए और जो सिलाई में दबेगा तो उसका भी मैं इस तरीके से। एक म्यानी होती है जो ट्रायंगल करके लगती है, पर वो पूरा शेप बिगाड़ देती है आसन का, जो कि मैं सलवार में ज़्यादा सही समझती हूँ लगाना। पर जो पैंट और प्लाजो होती है जिनकी शेप इस तरीके से होती है आसन की, उसमें इस तरीके से मैं ज़्यादा लगाना समझती हूँ सही। इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास 4 पार्ट आ गए हैं।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो आपकी वो प्रॉब्लम होती है जो खिंचाव की और अनकंफर्टेबल सा लगता है आसन पे, थोड़ा छोटा लगता है, तो वो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी इस तरीके से आप जॉइंट करेंगे जब कपड़ा इस तरीके से ये लग जाएगा गोलाई पे। यहाँ से भले थोड़ा सा ये कम आए, ऊपर तक ना जाए, पर यहाँ पे नीचे से हमें पूरा कपड़ा लेके चलना है। तो चलिए मशीन पे बताती हूँ। और उसी तरीके से रखेंगे ये वाली जो गोलाई है आपकी, इस तरीके से ये आपको इस तरीके से मतलब सीधे के ऊपर ये इस तरीके से सीधा जाएगा और सिलाई इस तरीके से आएगी। आपको इस तरीके से लेना पड़ेगा सिलाई को। तो चलिए लगाते हैं सिलाई। सो फ्रेंड्स ये जो ऊपर का साइड है हमारा, यहाँ से सिर्फ मुझे 1 इंच चाहिए क्योंकि वो सिलाई में उसको दबना पड़ता है, तो वो एक्स्ट्रा रहेगा तो हमें प्रॉब्लम देगा। इस तरीके से आप कट कर लो। तो सबसे पहले मैंने इस तरीके से एक पीस लिया हुआ है सीधा और सीधा। आप जब सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से ये करना है, सीधा अंदर चला जाएगा दोनों का। और अब सिलाई लगाएंगे हम। तो फ्रेंड्स इसको लगा लिया है और इसको भी उसी तरीके से स्टिच करना है जैसे कि हमने उसको किया था। ये वाला मार्जिन हमारा इधर ही रहेगा छोटे कपड़े की तरफ, और ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे टॉप स्टिच। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो मैंने ये किया है, तो आप पूरे जो 4 पार्ट हैं उसको इसी तरीके से करना है। तो चलिए करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भी 4 पार्ट्स जॉइंट कर लिए हैं इस तरीके से, जिस शेप में था प्लाजो उसी शेप में किए हैं ताकि वो देखने में भी अच्छा लगे। और यहाँ पे थाई में भी जॉइंट हो चुके हैं, तो इसका जो लास्ट काम बचता है, जैसा कि हमने यहाँ से खोला था प्लाजो और जो यहाँ नीचे से खोला था उसको वापस से जॉइंट कर देंगे जैसा था वैसा ही। और फ्रेंड्स एक बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि ये कपड़ा तो मेरे पास था तो इसलिए मैंने यही कपड़ा लगाया, बट कई बार होता है कि उसी टाइप का कपड़ा नहीं होता है आपके पास, तो उससे मिलता जुलता मैचिंग का कपड़ा मार्केट से आधा मीटर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसके हम आसन वापस से जोड़ देते हैं। तो पहले हम ऊपर आसन जोड़ रहे हैं, दोनों साइडों के जोड़ देंगे बैक और फ्रंट। सो फ्रेंड्स यहाँ से गोलाई में मैंने सिलाई लगा दी है। अब बारी आती है ये वाली यहाँ पे सिलाई लगाने की, तो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिलाई लगा ली है, अच्छे से प्रेस कर लिया है ताकि आपको अच्छे से फिनिशिंग दिखे इसकी। तो इस तरीके से ये आएगा, यहाँ से भी बढ़ चुका है और ये ऊपर से भी बढ़ गया है, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट आएगा, अच्छा कंफर्टेबल आएगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको समझ में आई हो
और आपको पसंद भी आई हो। और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है वीडियो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।